तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अजमेर से आ रही बड़ी खबर के साथ। पुलिस ने देर रात कुंदनगर क्षेत्र में चलाया सर्च। एसपी चुनाराम जाट सहित जिले के कई बड़े अधिकारी इस दौरान उपस्थित रहे। नौ थानों की पुलिस भी सर्च के दौरान साथ रही। मुखबिर से कुछ खतरनाक लोगों के छिपे होने की जानकारी मिली और पुलिस ने रात्रि में ही डोर टू डोर इस जानकारी मिलने के बाद सर्च किया। इस दौरान पुलिस ने 3 से 4 संदिग्ध व्यक्तियों को डिटेन किया। संदिग्ध व्यक्तियों के पास से हथियार भी बरामद होने की जानकारी है। हालांकि पुलिस ने मामले को लेकर अब तक कोई जानकारी साझा नहीं की, लेकिन जानकार सूत्रों के अनुसार कोई बड़ी घटना थी जिसे अंजाम देने की योजना ये सभी संदिग्ध बना रहे थे और पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। लेकिन कुछ किया जाता उससे पहले ही पुलिस ने इनके हौसलों को पस्त कर दिया। इन संदिग्धों को हिरासत में ले लिया क्योंकि मुखबिर के जरिए पुलिस को जानकारी लगी थी और उसके बाद पुलिस ने रात में ही डोर टू डोर सर्च की कार्रवाई की। आज मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि कुंदनगर में कुछ संदिग्ध लोग हैं, वो रुके हुए हैं और शहर में कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इस पे हमारी डीएसटी टीम है और हमारे जो सिटी के सीईओ हैं और सिटी के सारे एसएचओ और हमारी क्यूआरटी टीम के द्वारा हमने डोर टू डोर सर्वे किया और जो कुछ संदिग्ध है उनको डिटेन किया है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शुभम का रुख करते हैं। अजमेर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शुभम, रात में पुलिस के पास जानकारी पहुंची और रात में ही पुलिस ने उसे गंभीर लेते हुए डोर टू डोर सर्च किया, जिसकी वजह से एक बड़ी योजना जिसकी प्लानिंग बदमाश कर रहे थे उन्हें तो गिरफ्तार किया ही, लेकिन योजना को भी विफल पुलिस ने किया। क्या जानकारी इसको लेकर लगी अब तक? और जी बिल्कुल, देखिए देर रात्रि के अंदर पुलिस को मुखबिर से सूचना लगी थी कि कोई संदिग्ध व्यक्ति कोई संदिग्ध हरकतें करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं और वो कुंदनगर क्षेत्र में छुपे हुए हैं। चाहे पुलिस को सूचना लगी, पुलिस के पास उच्च अधिकारियों के पास ये सूचना पहुंचाएगी, जिसके पास रात को खुद अजमेर एसपी चुनाराम जाट खुद मौके पर पहुंचे और उनके साथ साथ तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, तमाम जो 9 शहर के जो थाने हैं उन थानों का जातपा थानों के अधिकारी मौके पर पहुंचे और सभी ने डोर टू डोर सर्वे किया और जो 2 से 3 लोगों को डिटेन किया है जो संदिग्ध पाए गए हैं। हालांकि उनसे जब पूछा गया चुनाव जाट से कि कोई हथियार या कुछ ऐसी चीजें बरामद हुई है तो उन्होंने कुछ बताने हमने गर्जन ने कहा अभी डिटेन किया है, पूछताछ की जाएगी। और वो जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में अजमेर पहुंचे थे और हो सकता है अगर मुखबिर के जरिए पूछताछ नहीं लगती तो कोई बड़ी घटना को अंजाम भी आज दे चुके होते। लेकिन उसको लेकर के अब जो एसपी चुनाव जाट है उनकी टीम मौजूद है और देर रात में से ही जो लोग डिटेन किए गए फिर उन पर पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस कुछ देर के अंदर यहाँ पे 11 या 12 बजे तक खुलासा कर सकती है क्योंकि इतनी भारी संख्या में जाप्ता जाना और बड़े अधिकारियों का पहुंचना जरूर कोई गंभीर मामला होगा जिस कारण की सूचना मिली होगी। हालांकि किनको डिटेन किया ये बताया नहीं गया है, कौन लोगों को लेके गए हैं वहां से और कितने लोग लेके गए ये बारे में अभी जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये बताया यही जा रहा है कि कोई बड़ा मैटर होगा। हालांकि जो पुलिस है अब वो अपनी पड़ताल कर रही है और कुछ देर के अंदर खुलासा भी कर देगी। शुभम, हथियार भी बरामद हुए हैं इनसे, यानी कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बड़े खुलासे की उम्मीद है, लेकिन जब मुखबिर के जरिए जानकारी लगी तो पुलिस की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि रात के रात ही सर्च किया गया। इलाके कौन से रहे होंगे शुभम? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ जो सिविल लाइन थाना क्षेत्र है उसके जस्ट नजदीक में कुंदनगर पड़ता है, उसके बगल में PRPF की जो GCV1 है ग्रुप केंद्र 1 वो भी वहीं पर मौजूद है, उसके बगल में ही वो ग्रुप केंद्र 1 स्थापित है। वहां पर ये संदिग्धों का मिलना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी चीज रहती है। हालांकि अगर मामला छोटा होता तो अजमेर एसपी सहित जो बड़े अधिकारी है वो नहीं पहुंचते, स्थानीय पुलिस जो थाने की पुलिस है वो इस मामले को निपटारा कर लेती, लेकिन उनको संदिग्ध जो गतिविधि थी वो कहीं ना कहीं बड़ी की सूचना मिली होगी, वही कारण रहा कि करीब 100 से 150 पुलिस का जाप्ता था और करीब 25 से 30 अधिकारी मौके पर मौजूद थे और डोर टू डोर सर्वे सुबह तक का इंतजाम किया, रात को ही डोर टू डोर सर्वे किया और संदिग्ध व्यक्तियों को डिटेन किया गया। ठीक है शुभम, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।